रेड अलर्ट पर वसई विरार, तबाही का ऐसा मंजर, पुलिस स्टेशन बना समंदर। नाला सुपारा वसे विरार में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी जल जमाव के चलते चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हो रही मूसलाधार बारिश अपना कहर बरपा रही है। क्या दुकानें, क्या सड़कें, क्या गाड़ियां, क्या फुटपाथ और क्या घर, चारों तरफ पानी का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं अब यह पानी यहां के पुलिस स्टेशनों में भी घुस चुका है। यहां का पुलिस प्रशासन भारी जलभराव के बीच काम करने पर मजबूर है। आपको बता दें कि यहां के हालात इतने भयंकर हैं कि पुलिस स्टेशन में सांप तक देखा गया है। भारी जलभराव के बीच अब यहां के पुलिस कर्मचारियों का जीवन भी संकट में पड़ चुका है। यहां पर सवाल यही है कि यहां की जनता के लिए दिन रात काम करने वाली कानून व्यवस्था जिस हालात में जानलेवा जानवरों और विषैले जीव जंतुओं के बीच काम करने पर मजबूर है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारी पुलिस के साथ ऐसे हालात में किसी भी प्रकार की अनहोनी हुई तो क्या इसकी जिम्मेदारी यहाँ की महानगर पालिका लेगी? बरसात के पहले महानगर पालिका और सत्ताधारी पार्टी ने कई दावे किए थे कि इस बार नाला सुपारा वसई विरार के इलाकों में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन उनके ये दावे खोखले साबित हुए हैं और सड़कें तथा पुलिस स्टेशन नहर में तब्दील हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिर्रफ्रूत से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।